Good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी और मैंने मुँह धोया. इसके बाद व्लॉग, यू नो, हमेशा मेरे रूम से ही स्टार्ट होता है, रूम में ही एंड होता है, इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेना चाहिए. और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, जिस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना. बाकी ऐसा है कुछ आज की रूटीन में कि मैं सबसे पहले उठने के बाद क्या करती हूँ, ऑब्वियसली जैसे सब मुँह हाथ धोते मैं भी वही करती हूँ. बट फर्स्ट थिंग दैट आई डू बिफोर लीविंग माई रूम इज कहाँ गई. ओके, आई गॉट इट. मेरे हाथ सुबह सुबह काम नहीं करते, तो ये पेट्रोलियम जेली है जिसको मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए हम इसको अपने फेस पे लगा लेती हूँ ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए. और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ. तो इसको एक हाथ से नहीं लगा सकते, इसलिए आई हैव टू पुट द कैमरा डाउन. वेल, तो सबसे पहले मैंने अपने बाल बांध लिए, क्योंकि ना मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए, इसलिए मुझे मम्मा ने बोला कि मैं खुला छोड़ती हूँ, इसलिए गिरते रहते हैं. तो उनको मैंने बांध लिया. अब हमने ये थोड़ी सी और लगाएंगे इसको फेस पे, एंड देन थोड़ी सी मसाज करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो रेड हो जाती है. इसको लगाने के बाद ना सबसे पहला जो काम है वो ये है कि मुंह नहीं धोना, थोड़ी देर इसको लगे रहने देना, एंड देन मैं मुंह धोती हूँ तो मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहती. यार सर्दियाँ आ गई ना, इसलिए स्किन ड्राई होती है बार बार, पता नहीं क्या मसला है. अब आएगा शायद. तो स्किन ड्राई होती है इसलिए लोशन भी लगाना ज़रूरी है, हाथों पे, पैरों पे भी. आउच. सो यस, आई एम ऑल डन. इसके साथ ही दो घूंट पानी पी लेती हूँ, फिर नीचे जाऊंगी. ये भी हो गया. इट्स टाइम टू गो डाउन, नीचे जाकर फिर हम नीचे जाके देखती हूँ कि नाश्ते में क्या है. बाहर धूप हो गई है, देखते हैं. और मैंने अभी नोटिस किया मैंने अपना नोज़ कितना रेड कर लिया, तो सूरज निकल गया यार सुबह सुबह. हेलो, तू क्यों इतना आवाज सुन के आ गया पीछे? अबे कुछ नहीं है. तो सुबह सुबह ना, सुबह तो नहीं हो रही, खैर हो रही तो शाम है आपकी सुबह. तो हाँ, मेरी सुबह, तो इसलिए ना धूप में बैठना अच्छी बात है. कितना मज़े का सूरज आ रहा है सामने से, दिखाते हैं. अच्छी आँखों में भी लग रहा है पता, बट स्टिल इट लुक्स गुड. सुबह सुबह सनलाइट आती है ना मुँह पे, अच्छा लगता है. खैर थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के सनलाइट इन्जॉय करती हूँ और फिर जाऊँगी नीचे नाश्ता करने. Till then, stay tuned. धूप ले ली, सो इट्स टाइम फॉर मी टू गो डाउन. नीचे आवाज़ आ रही, दिखते किसकी आ रही. भूख लग रही है मामा, उठी तो मैं 3 बजे की हुई हूँ, बेड से निकलते निकलते ये टाइम हो गया. माली नहीं आया आज? माली तो वेल, अभी मम्मा तो लगता लेट गई, हम नाश्ता कब मिलेगा देखते हैं. बाकी ये है कि
कल माली को बुला के पीछे से हमने सारी घास ना क्लियर करवा के खाद डलवाई है। ये देखो नज़र नहीं आ रहा यार सही से, बट खैर आज तक मैं कभी भी उस एरिया में नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे ना छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैंने एक दो दफ़ा छोटी छोटी छिपकली देखी है तो इसलिए मैं मानी जाती हूँ और मैं नहीं जाऊँगी। आई मेक श्योर मैं कभी भी नहीं जाऊँ। तो अभी हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं, नाश्ता मिल जाए हमें। यस, जब तक के लिए मुझे नाश्ता नहीं मिल रहा तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ना मम्मा के पीछे पड़ना पड़ेगा नाश्ते के लिए, ऐसे नहीं मिलेगा, इतना ईजी नहीं होगा। तो जब तक मेरी मम्मा किचन में खाना बना रही हैं मेरे लिए, तब तक के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा टीवी शीवी देख लिया जाए, इसलिए मैं कार्टून देखूँगी अभी। बाकी कार्टून देखती हूँ और उसके बाद नाश्ता करने लगूँगी जब, तो फिर से आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। वेल, तो मम्मा ने बोला कि टीवी की साइड पे बैठ के मैं नाश्ता नहीं कर सकती, अगर मुझे नाश्ता करना है तो मुझे डाइनिंग टेबल पे आना पड़ेगा, विच मीन्स मैं कार्टून देखते देखते नाश्ता नहीं कर सकती थी, तो मुझे अब यहाँ आना पड़ा, यहाँ बैठ के नाश्ता करती हूँ। चिकन का सालन है और वही मेरी सूखी सी रोटी, पराठा तो पता नहीं कब खाया था आखिरी दफ़ा मैंने। तो फ़ोन मेरा बिजी हो जाएगा इसलिए, क्योंकि मुझे साथ साथ कार्टून तो देखना है। सो स्टे ट्यून्ड। वेल, नाश्ता तो मेरा हो गया एंड नाश्ता करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है चाय, चाय पीना। तो चाय मेरी आ गई है, क्रिसमस अभी आया नहीं लेकिन घर वालों ने कप्स निकालना शुरू कर दिए क्रिसमस के, ये भी अच्छा है। गम गर्म है बहुत, तो ठंडी करके इसको पीते हैं। और साथ साथ क्या यार, शाम कर देती हूँ मैं सुबह से उठते उठते, तो चाय पी के फिर मैं आती हूँ और कुछ ना कुछ एक्साइटेड ढूंढती हूँ जो मैं करूँ, ताकि मुझे भी मज़ा आए और आप लोगों को भी मज़ा आए। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चल, मैं तो चाय पीते पीते बाहर आ गई हूँ और राज मामा सफाई कर रहे हैं ऊपर सर्वेंट क्वार्टर की। बाकी मुझे लगता है मुझे बैठ जाना चाहिए कहीं। अगर तो यहाँ पे छिपकली ना हो तो बहुत अच्छी बात है। As I told you before, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। सोनिया क्या खा रहे हम? बिस्किट, चाय, बिस्किट। वेल, सिंस हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो कुछ काम तो करना है हमें। वाओ, कितनी अच्छी बात बोली, बैठे बैठे बोर हुए थे, करना है कोई काम। तो काम हम क्या कर रहे हैं, ऐसी भूमि के साथ मस्तियां कर रहे थे कि डेकोरेशन करते हैं क्रिसमस की, मतलब अभी तो आई नहीं और तो जब ही से डेकोरेशन करनी है। तो अब हम बाहर जाने लगे हैं कहीं से ना कुछ भी हमें अगर क्रिसमस का सामान मिलेगा तो वो हम उठा कर लाएंगे। और सिंस आज हम फारे गए तो हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कोई तैयार व्यार नहीं होना क्योंकि मुझे ना ज़्यादा सजना सवरना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जिस हालत में उसी हालत में। ऑल आई नीड इज़ वन बैग ऑफ माइन एंड, और वो बैग ये रहा, इसमें वॉलेट है या नहीं ये चेक करते हैं, पता चले खाली लेके जा रही हूँ। खुल जा, पता है बड़ा मुश्किल काम है एक हाथ से सब करना। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लिपस्टिक पड़ी है। तो फिर इस बैग को हम छोड़ देते हैं, हमको चाहिए वॉलेट। और मेरे बड़े बैग में है मेरा वॉलेट, इसमें कार्ड है या नहीं ये भी चेक करते हैं, पता चले उधर जाके बिस्ती हो जाए। तो इसमें मेरा कार्ड है, यस इसमें मेरा कार्ड है। बालों का भी हाल बिगड़ है पर कोई चक्कर नहीं है। तो यस, अब मैं जा रही हूँ नीचे। किधर किधर कैमरा घुमाओ, रुक जाओ मैं आती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। वेल, तो मैं तो रेडी हो गई हूँ। खैर रेडी क्या होना था, बस जीन्स पहननी थी, पहन ली मैंने वो पहले ट्राउज़र, पहले हमने ट्राउज़र पहना था वो चेंज करके हमने जीन्स पहन लिया। और राज ने बाहर गाड़ी निकाल ली है, एक हमारी जो फिल्म है वो भी बड़ी, मैं भी जाऊँगी तो उसको भेजा है, वो भी बस चेंज करके 2 मिनट में आ जाएगी तो अच्छी बात है, वरना हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। और ये गार्डन भी जा रहा है हमारे साथ। भाई गाड़ी की एक लाइट जल रही है, दूसरी जल रही नहीं है।
यार पीछे की लाइट तो ऑफ करो क्या है, नहीं तुम ऑफ करो उधर की पीछे वाली ऑफ करो, ऊपर वो सो रहे हैं ऐसे ही शोर मचा रही है। दूसरी भी ऑन कर लिया उसने, बहुत होशियार है ये। बंद कर दो गाने अगर लगाए हैं तो, वरना मैं नहीं जाऊंगी इस गाड़ी में। बंद करो गाने, बंद करो। कर रहा हूँ। पेट्रोल रुक जा, भी इसको आने दे। सोनिया आ रही है। वेल, तो हम जा रहे हैं क्रिसमस का सामान लेने। वाओ, ये अंकल की बाइक तो अच्छी लग रही है। मिलेगा अंकल की बाइक तो चेक करो गाइस। अंकल भज गए, इलेक्ट्रिक है। अंकल भज गए हैं, रुक जा आ रही है चढ़ाया। हां चेक तो मैं यहां पे भैरिया में दो लड़कियां। अगर तो हम गए, अगर तो हम गए और ऊपर से सोनिया जो क्या कहते हैं गैलरी वगैरह अगर बंद होगी तो बड़े चमक रहा हूं। टू बी कंटिन्यूड।